बिहार के मुखिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे, यानी कि अपने मन की बात करने वाले हैं। दरअसल बिहार के 4 जिले के 5 पंचायतों के मुखिया के लिए बुधवार का दिन बेहद खास साबित होने वाला है। ये मुखिया सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास कार्य योजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने वाले हैं। ये पांचों मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे और उनसे विकास कार्यों पर राय मशवरा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना से लाभान्वित लाभुकों से भी बातचीत करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेना है। यही नहीं, वो पंचायत स्तर पर मुखिया और लाभान्वित लोगों से भी जानकारी लेंगे, जिससे उन्हें पता चल सके कि बिहार में चल रही विकास कार्यों की स्थिति आखिर क्या है। साथ ही इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इन सभी बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी लोगों से संवाद करेंगे और इन सभी चीजों के बारे में गहनता से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या बिहार में योजनाओं की स्थिति है। बता दें कि बिहार के 5 चयनित पंचायतों में नालंदा के बेन प्रखंड के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह का नाम भी शामिल है। यहां के मुखिया के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाभुक भी प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने वाले हैं। इनके अलावा दरभंगा जिले के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार, किशनगंज जिले के दीघल बैंक पंचायत की मुखिया पूनम देवी, वैशाली जिले के मिर्जानगर पंचायत की मुखिया रिमझिम देवी, पुरनतंद पंचायत की मुखिया गायत्री देवी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने की सूचना मिलते ही बेन प्रखंड के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये बार बार नहीं होता कि मुखिया को प्रधानमंत्री से सीधा बात करने का मौका मिले और अपने मन की बात सीधा कहने का मौका मिले। मुखिया अभय सिंह ने इस दौरान ये भी कहा है कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि नालंदा से मेरा देश का प्रधानमंत्री सीधा संवाद से जुड़ने के लिए चयन हुआ है। यही नहीं, यहाँ से 2 लाभुकों का भी इसके लिए चयन होने से ग्रामीणों में काफी उत्साह है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री बुधवार की दोपहर जब चयनित 5 मुखिया के साथ सीधा संवाद करेंगे तो उनके पंचायत से जुड़े लोगों में काफी खुशी देखने को मिलेगी। और रही बात विकास की, तो इस दौरान प्रधानमंत्री इस पंचायत के अलावा जितने भी आसपास के पंचायत हैं और जितने भी मुखिया का चयन हुआ है इस संवाद के लिए, इन सभी से वहां के हालात का जायजा लेंगे और बातचीत करके ये पता लगाएंगे कि बिहार में वाकई योजनाओं की स्थिति धरातल पर क्या है, लाभुकों को क्या योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी इन सभी मुखिया से बात करेंगे और राय लेंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।